नमस्कार दोस्तों, आज 24 अगस्त 2017 है। प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। फ्रंट पेज पे ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगराइजेशन को लेके काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, अभी 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सरकार को लगता है कि सभी ओबीसी कास्ट को समान रूप से उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अभी एक प्रपोजल सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में भी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है 27%, उसकी भी सब कैटेगराइजेशन की जाएगी। यानी 27% के अंदर में भी कुछ कास्ट को 10-15% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब है रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए जो कोटा है वो फिक्स रहेगा 27%, लेकिन उसके अंदर भी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा कुछ ओबीसी कास्ट को जिसको अभी तक प्रॉपर रूप से रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सका है। इसके अलावा एक और भी फैसला लिया कैबिनेट ने, जो अभी क्रीमी लेयर है यानी फैमिली के अंदर में पेरेंट्स की अगर जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा है, उनके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है, 8 लाख वो लिमिट हो गई है अब क्रीमी लेयर की। इसके अलावा देखो, पिछले दिनों सरकार ने एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहले ये स्टैचुरी बॉडी थी, लेकिन अब बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर में। सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना चाहती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की तर्ज पे। और आगे जाके अभी तक देखो जो इनका काम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, वो था कौन सी जाति को इंक्लूड किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए, ये सब देखना होता था इनका काम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। लेकिन जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की बारी थी, जो बात थी, वो इनके द्वारा नहीं की जाती थी, समझ गए। यानी ओबीसी की जो भी ग्रीवेंसेस होती थी उनको एड्रेस करने का काम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास में ना होके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास में था। लेकिन अब जब ये इस कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, तब ये कमीशन जो ओबीसी क्लासेस हैं, जो कास्ट है, उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से रिलेटेड है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में जो भी शराब के ठेके हैं, पब्स या होटल्स में शराब परोसी जाती है, उनको बैन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट इसलिए दिया क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि शराब पीने के बाद में ड्राइवर्स के द्वारा बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट भी था इस वर्डिक्ट का, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा पैदा हो गया था क्योंकि काफ़ी शहरों के बीचों बीच एकदम से जो नेशनल हाईवे गुजरता है या फिर स्टेट हाईवे गुजरता है, तो वो सभी पब्स और होटल्स बंद होने की कगार पे आ गए थे। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनडायरेक्ट वे में स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट क्लैरिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट हाईवेज या फिर नेशनल हाईवेज म्यूनसिपैलिटीज के एरिया से गुजरते हैं, जैसे गुरुग्राम का एग्जांपल आप ले सकते हैं, गुरुग्राम के बीचों बीच में से नेशनल हाईवे जाता है, लेकिन ये म्यूनसिपल एरिया है सारा का सारा, तो इस एरिया के अंदर में जो शराब के ठेके हैं या फिर जो पब्स हैं वो बैन नहीं होंगे, वो बंद नहीं होंगे। तो इफेक्टिवली सभी शहरों में बीचों बीच जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जाता है, वहां पे अब ये सब जो होटल्स, पब्स या शराब के ठेके हैं वो बैन नहीं होंगे। समझ गए क्या क्लैरिफिकेशन आई है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनडायरेक्ट ये कहा है कि शहरों के अंदर में आपको छूट है कि आप ये बंद मत कीजिए शराब के ठेके या पब जो हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगली न्यूज फिर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से रिलेटेड है, जो अभी आया नहीं है लेकिन आज आएगा। राइट टू प्राइवेसी को लेकर 9 जजेस की जो बेंच गठित की गई थी, उसका वर्डिक्ट आज आएगा और फैसला हो जाएगा कि जनता के पास में राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है। सीधा सीधा इसका इफेक्ट होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको आधार से लिंक कर दिया है। तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आज आता है और क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा आधार रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उन पे। नेक्स्ट आर्टिकल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए नए कैडर पॉलिसी के बारे में है। आईएएस आईपीएस और आईएफएस, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और आईआरएस जो बाकी सर्विसेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। तो देखो अभी क्या होता है, जब प्रीलिम का एग्जाम क्लियर होता है यानी मेन से पहले जो यूपीएससी है हमसे एक डैफ भरवाती है, डैफ में हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि कौन सी सर्विसेज का आप चुनाव पहले करोगे। कईयों को आईपीएस पहले चाहिए होता है, कईयों को आईएएस पहले चाहिए होता है। तो उसके बाद में सरकार हमसे स्टेट भी पूछती है, यानी यूपीएससी हमसे स्टेट भी पूछती है कि कौन सी स्टेट में आप काम करना चाहते हो। तो सरकार कहती है कि आमतौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना होम स्टेट भर देते हैं या फिर नेबरिंग स्टेट को भर देते हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में काम करने का एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता। तो सरकार अब कहती है कि बजाय यूपीएससी स्टेट्स पूछेगी,
जोन पूछेगी, यानी 26 स्टेट्स को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन वन के अंदर में कौन से स्टेट्स आते हैं? अगमुत यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। जोन सेकंड के अंदर में आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जोन थ्री में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जोन फोर में आते हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। और जोन फिफ्थ के अंदर में आएंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यानी मेनली साउदर्न स्टेट्स। तो इस प्रकार से अब एक नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, बजाय इसके कि कोई पर्टिकुलर स्टेट कैडर मिले आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, एक जोन मिलेगा। जोन सेकंड अगर मिल गया तो उसको यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में काम करने का मौका मिलेगा। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन आएगी, ऐसा सरकार का मानना है, इसीलिए ये नई कैडर पॉलिसी सरकार ने बनाई है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखो अगले आर्टिकल का कंटेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के अंदर में जो सेक्रेटरिएट है वहाँ पे एक रूफटॉप सोलर जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया। नेट मीटरिंग से ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड होगा ग्रिड की सहायता से, ग्रिड से कनेक्टेड होगा ये प्रोजेक्ट नेट मीटरिंग की सहायता से। देखो कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2016 के अंदर में। नेट मीटरिंग के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके ऊपर में ये सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो जरूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, तो अगर ये ग्रिड की सहायता से वो प्रोजेक्ट कनेक्टेड होंगे तो नेट मीटरिंग की सहायता से जो घर ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है, वो अपनी बिजली ग्रिड की सहायता से सरकार को या फिर दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बेच भी सकते हैं, समझ गए। और उसके दूसरे फायदे क्या हैं? उसके दूसरे फायदे ये हैं कि कई बार मान लीजिए सुबह तो आवश्यक रूप से जितनी बिजली चाहिए मिल जाती है, क्योंकि सुबह तो सन होता है, सूरज होता है, लेकिन रात को सोलर प्रोजेक्ट से बिजली नहीं मिल पाती। तो अगर ग्रिड से जो नेट मीटरिंग की सहायता से अगर ग्रिड कनेक्टेड होगा सोलर प्रोजेक्ट से तो क्या होगा, सुबह सुबह तो सोलर प्रोजेक्ट में जो बिजली पैदा हो रही है उससे काम चला लेंगे, लेकिन शाम को ग्रिड से एक्स्ट्रा बिजली ले ली जाएगी ताकि घर में बिजली हो सके। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन रहेगा, अगर आपके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है तो आप बेच दीजिए सरकार को, लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी है तो आप ले लीजिए सरकार से। नेट मीटरिंग के ये फायदे हैं, तो फिर बिल उतना ही आएगा, समझ गए, जितनी बिजली आप यूज करोगे उतना ही बिल आएगा। हो सकता है कि देखो आपको 10 वोट बिजली चाहिए लेकिन 9 वाट आप अपने हिसाब से अपने सोलर प्रोजेक्ट से पैदा कर रहे हो, लेकिन आपको 1 वाट रात की आवश्यकता है, अगर आप 1 वाट यूज करोगे तो आपको उतना ही बिल चुकाना पड़ेगा। तो ये काफी सारे फायदे हैं नेट मीटरिंग के। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। आगे तो फिर पीआईबी है, पीआईबी में देख लेते हैं कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेंटर इंडिया प्रोग्राम को लेके। मेंटर इंडिया क्या प्रोग्राम है? देखो पहले बेसिक्स बताता हूँ। 2 साल पहले सरकार ने एक मिशन चलाया था नीति आयोग की गाइडेंस में, जिसका नाम था अटल इनोवेशन मिशन। इस मिशन का मकसद क्या था? मकसद था कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए नए एंटरप्रेनर्स पैदा करना, और बच्चों के अंदर में या फिर जो यूथ हैं उनके अंदर में एक क्यूरियसिटी पैदा करना ताकि वो आगे जाके एंटरप्रेनर बन सकें। और इसी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टाब्लिश की कई जगह पे। उसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और इनोवेशन स्किल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होंगी इन अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर में, जैसे उदाहरण के तौर पे 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट टूल्स या फिर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, सेंसर्स। तो 6ठी से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आ सकते हैं अटल टिंकरिंग लैब के अंदर में, देख सकते हैं कैसे ये काम कर रही है 3D टेक्नोलॉजी, कैसे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स काम कर रही है। तो अब एक और चीज़, एक स्टेप आगे जा रहा है नीति आयोग। अब क्या किया जाएगा, जो अभी यंग CEOs हैं, यंग एंटरप्रेनर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा इन यंग अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर में, ताकि वो आएँ और 6ठी से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं कम से कम 1 हफ्ते में 1 घंटा लगा सकें, वो उनको गाइड कर सकें कि इंडस्ट्री की नीड्स कैसे हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से उनकी सहायता से नई नई एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, फ्यूचर में क्या स्कोप होगा। तो जो ये बच्चे हैं 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के, इनके अंदर में और ज़्यादा क्यूरियसिटी पैदा होगी, और ज़्यादा इनको सीखने को मिलेगा यंग एंटरप्रेनर से। यानी मकसद ये है नीति आयोग का, मेंटर इंडिया प्रोग्राम के अंदर में वो एनकरेज करना चाहते हैं बच्चों को, और सहायता ली जाएगी यंग एंटरप्रेनर्स की, समझ गए। तो मेंटर किया जाएगा यंग एंटरप्रेनर्स के द्वारा यंग बच्चों को। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनसे मिले। बातें तो कुछ खास नहीं है आर्टिकल के अंदर में, इसी तरह की बातें हैं कि पीपल टू पीपल जो कोऑपरेशन है उनको बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, और जो दूसरे जो चीज़ों हैं वहाँ भी कोऑपरेट करेंगे।
फिलहाल हम मैपिंग में देख लेते हैं उज्बेकिस्तान कहाँ आता है सेंट्रल एशिया के अंदर में। ये देखो ये पोजीशन है उज्बेकिस्तान की, नीचे है तुर्कमेनिस्तान। थोड़े दिन पहले हमने तुर्कमेनिस्तान की पोजीशन भी देखी थी, आपको याद होगा। यहाँ पे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, लेकिन जब 1989 के आसपास जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब ये सारे कंट्रीज अलग अलग हो गए। और अब देखो मैपिंग के अंदर में क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। कई बार यूपीएससी यूं पूछ लेती है कि जो कैपिटल्स हैं, जो सेंट्रल एशिया की जो कैपिटल्स हैं, उनको नॉर्थ टू साउथ लगाइए या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा कंट्री सेंट्रल एशिया का लैंड लॉक्ड है, कौन सा नहीं है, इस प्रकार से आ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स वहाँ से गुजरती है, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर इक्वेटर की जो लाइन है गुजरती है कौन कौन से देशों से। मकसद ये है मेरा बताना कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। मैपिंग हमने डिस्कस करी थी इस साल के प्रीलिम्स से पहले, वो सारी की सारी वीडियो आज भी पड़ी हैं ओनली आईएएस पे चैनल पे, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। कुछ जो वीडियोस हैं वो फेसबुक पेज पे भी पड़ी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि काफ़ी सारे ऐसे मैप्स का इस्तेमाल किया गया था कि कॉपीराइट का वायलेशन का डर था, इसलिए हमने कुछ वीडियोस फेसबुक पेज पे डाली थी प्रीलिम्स से पहले की ये बात है। अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल ये है कि कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमलगेशन का। देखो काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अब एक प्रकार से मर्ज किया जा रहा है एक दूसरे में, जैसे SBI है उसके अंदर में काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज किया जाएगा। मकसद ये है सरकार का कि जो बजाय इसके कि कई सारे छोटे छोटे बैंक्स हों, एक बैंक होना चाहिए ताकि वो कंपटीशन कर सकें, जो बाकी देशों के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका कंपटीशन कर सकें। अगर एक ही बैंक होगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, यानी एक तो देखो अलग अलग जो छोटे छोटे बैंक्स हैं अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उनको काफ़ी खर्चा आता है, अगर एक बड़ा बैंक होगा तो एक ही सॉफ्टवेयर बनाएगा तो खर्चा कम आएगा। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है उसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया था कि बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए, खास करके नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अब उसके लिए सरकार का कहना है कि इन अप्रूवल प्रिंसिपल मिल गया है और एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। और काफ़ी सारी बातें हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के अंदर में, जैसे जो शुरुआत होगी मर्जर की वो बोर्ड्स ऑफ द बैंक्स की, यानी शुरू में तो जो बैंक्स के बोर्ड्स हैं वो मर्ज होंगे, उसके बाद में सरकार RBI के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और जो बैंक्स हैं नेशनलाइज बैंक्स जिनका मर्जर होगा वो SEBI के साथ भी डील करेंगे। तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की सहायता से ये मर्जर होगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ विरोध भी है वैसे इस मर्जर का। विरोध इस प्रकार से है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पहले तो मान लीजिए कई सारे बैंक्स थे तो कंपटीशन होता है, काफ़ी फायदा होता है, अच्छे से काम करते हैं, हेल्दी कंपटीशन जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। और जो कई बार इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे US के अंदर में लेमन ब्रदर्स बैंक जो है वो फेल हो गया, तो एक तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में एक बैंक हो तो बाकी बैंक इंसुलेट रह सकते हैं, लेकिन कई सारे बैंक को मर्ज करके एक ही बैंक अगर बना दिया जाएगा, अगर कल को वो फेल हो जाता है तो काफ़ी हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा अगर डिफरेंट बैंक्स को मर्ज करके एक ही बैंक बनाया जाएगा। तो इस पर भी अब देखना बाकी है किस प्रकार से ये सब कुछ मर्जर होगा। अब अगले आर्टिकल को हम देख लेते हैं। लास्ट आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट है सरकार ने किन किन को कौन से प्लेयर्स को अवार्ड्स दिए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2017। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सिर्फ आप याद रखो तो रख लेना। श्री सरदार सिंह हॉकी खेलते हैं इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और श्री देवेंद्रा को मिला है, ये पैरा एथलीट हैं। उसके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, मत याद रखिएगा ये सब। आमतौर पर UPSC में नाम पर फोकस नहीं किया जाता, UPSC और SSC में यही डिफरेंस है। UPSC में इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जाता है और SSC और जो बैंक्स के एग्जाम हैं उन पे नाम पे फोकस किया जाता है, ये टूर्नामेंट किसने जीता, इसका अध्यक्ष कौन है, समझ गए? तो ये डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं शुरू से कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए, नज़र डाल लेते हैं ताकि रिवाइज आपको हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है कि म्युनिसिपल एरियाज के अंदर में जो भी हाईवेज जाते हैं वहाँ पे होटल्स पे पाबंदी नहीं रहेगी, शराब के ठेके बंद नहीं होंगे। OBC की सब कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कस किया, राइट टू प्राइवेसी पे वर्डिक्ट आएगा आज सुप्रीम कोर्ट का, नई कैडर पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर में जो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया, PIB में मेंटर इंडिया प्रोग्राम को जाना, उज्बेकिस्तान की पोजीशन डिस्कस करी, और जो बैंक का मर्जर अब हो रहा है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को बनाया जाएगा, और सबसे लास्ट में अवार्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसे भी हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।